जनपद में डीएलएड की परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। 19 दिसंबर से 8 केंद्रों पर द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टरों की परीक्षा होगी। इसमें 3000 से अधिक प्रशिक्षु शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से 20 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश दे दिया जाएगा। डायट प्राचार्य महेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 19 से 24 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होगी। दोनों सेमेस्टरों की परीक्षा के लिए जीआईसी लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, सेठ बी एन पौदार इंटर कॉलेज, महाराज अग्रसेन इंटर कॉलेज, सुभाष इंटर कॉलेज, चमेली देवी खंडेलवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज, प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की दूरी में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षाओं को शुचितापूर्ण ढंग से नकल विहीन संपन्न कराने के उद्देश्य से समस्त केंद्रों व्यवस्थापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा प्रभारी डीआईओएस भास्कर मिश्रा ने बताया, परीक्षा को शासन की मंशा के अनुरूप कराने के लिए केंद्रों पर पर्यवेक्षकों के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। इसके अलावा एसडीएम और डायट प्राचार्य नेतृत्व में 2 सचल दल का भी गठन जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे वॉइस रिकॉर्डिंग लगाए गए हैं। जिन प्रश्न पत्रों के मध्य अंतराल 30 मिनट का है, उनके परीक्षार्थियों को प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने पर केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में अपने स्थान पर बैठे रहना होगा। डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर के मथुरा जनपद में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस प्रकार से डायट प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई, उसके अनुसार करीब 3000 से अधिक छात्र छात्राएं अभ्यर्थी अपनी परीक्षाएं देंगे। इसके लिए मथुरा जनपद में 8 सेंटर बनाए गए हैं। ये सेठ बी एन पोद्दार कॉलेज है जो कि सेंटर बनाया गया। इसी के प्रकार से अन्य 8 सेंटर भी बनाए गए जहाँ पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात परीक्षा की खास ये रहेगी इसकी डीएलएड की कि सभी परीक्षार्थियों को 20 मिनट पहले अपने केंद्र पर पहुँचना होगा। उसके बाद ही जब परीक्षार्थियों की गिनती पूरी हो जाएगी, उसके बाद वहाँ परीक्षा के जो पेपर पत्र हैं उनको गिना जाएगा। उसके बाद पेपर शुरू होंगे, क्योंकि पूर्व में जिस तरह से पेपर आउट होने की लगातार शिकायत मिल रही थी, उसको लेकर के शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जहाँ भी परीक्षा केंद्र होंगे डीएलएड के, वहाँ पर छात्र को 20 मिनट पहले पहुँचना होगा। इसके बाद परीक्षा जब समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद भी कुछ समय लगेगा, तभी छात्र को छोड़ा जाएगा। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध।